मानव समाचार मानवता के हक में। ईद की रात के अंदर है तो फार्मेसी कॉलेज के पास जफर अहमद के मामा के लड़के लोग झगड़ा कर रहे थे। मेरा भाई उधर से आ रहा था, वो झगड़ा छुड़ाने गया, दोनों मिल के मेरे भाई को मारे। दोनों कारपेंटर है भाई, कहते नबी अहमद है, जफर निम्बर है। तो हमको इंसाफ होना नहीं, आप ये जान से मार डाले और तुम बोल रहे घर लेके जाओ। बस हमारा यही कहना है कि यार हमको इंसाफ होना, नहीं तो हम बॉडी यही रखे रहेंगे। आरोपी का नाम छह लोग मारे थे, छह लोग का दिया, सिर्फ दो लोग का नाम बोल लिखे। हाँ नाम बोल सकता ना, एक कहता निसार मामा है, शमशाद है, इरशाद है और सईद होटल वाला है, और वो राजू है, राजू शैतान है, और एक राजू, अरे निसार मामा का लड़का है, ये उसके मामा के लड़के लोग, उसका मामा है। बहुत बड़े आदमी रहे हैं लेकिन आज उनके ऐसा कर रहे हैं, इंसाफ नहीं है, इंसाफ चाहिए। छुड़ाने गए थे, दूसरे की लड़ाई में छुड़ाने गए तो उसको मारे। घर में नहीं है दवा खाने, दवा खाने आए, एक बात नहीं बोले, एक लफ्ज नहीं बोले, वो बातें नहीं करे, अपने बच्चों से नहीं बात करे, उनको ना पहचाने। जब से इतना परेशान, वो लोग पांच दवा खाना लेकर गए, हजारों लाखों से रुपया खर्च चुकी है, मगर उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, वो अच्छे भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं की है, और कोई दवा खाना बाकी नहीं है। प्राइवेट दवा खाने में ले लेकर चले सुहेल हॉस्पिटल से, पुलिस बोले यहाँ से ले जाओ कहीं प्राइवेट में। अब प्राइवेट में लिए इतना पैसा भी तो रहना चाहिए, फिर भी हिम्मत करके कर्ज कर करके बेच बेच के ये वो उसका इलाज किए, फिर आज आखिरी दिन देखो। अब पुलिस बोल रही हम क्या करें, तो अब करें इंसाफ दे, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के सेवा कुछ नहीं। आज उनके साथ हुआ है, कल और कोई के साथ होएगा। ये तो आज हाँ